आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा शहर के कोतवाली क्षेत्र में दो दिन पूर्व राहगीर से लूट व घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर बदमाश हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी विवेक तिवारी उर्फ शीलू के खिलाफ पहले से सिटी कोतवाली में 19 मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या का प्रयास, राहजनी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इसी तरह से प्रिंस पटेल निवासी खजुआ के खिलाफ भी कई अपराध हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की मोटरसाइकिल सहित 5500 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल 15 सितंबर की रात दो मोटरसाइकिल में सवार आरोपियों ने लोही निवासी धर्मेंद्र तिवारी के साथ 5500 रुपये व मोटरसाइकिल की लूट की थी। घटना के बाद आरोपियों ने रूपा नाम की महिला के घर में घुसकर जबरिया पैसे छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर आरोपियों ने रूपा की बहू पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। मामले में फरियादियों के द्वारा थाने में नामजद रिपोर्ट की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी विवेक तिवारी निवासी लोही व उसके तीन अन्य साथियों के बारे में पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला यह है सर कि दिनांक 15/10/20 के शाम 8:30 बजे धर्मेंद्र पिता श्रीनिवास तिवारी ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था, तो लोही ब्रिज के थोड़ा से आगे विवेक तिवारी उर्फ सीलू तिवारी और प्रिंस पटेल मिले, इनकी गाड़ी रोक लिए और विवेक तिवारी इनके जेब की तलाशी लिया और उसका साथी जो है मारपीट किए दोनों मिलके, थोड़ा चाकू की खरोंच भी आई थी और उसका 5500 रुपये जेब से निकाल लिए पास से जी, और उनकी उसकी गाड़ी लेके भाग गए। कितने आरोपी हैं? अभी दो आरोपी हैं। आरोपी का नाम बताओ। अच्छा बताओ, विवेक उर्फ सीलू तिवारी, पिता उमेश तिवारी, प्रभाकर उर्फ प्रिंस पटेल, पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद पटेल। ये कहाँ के रहने वाले? ये तो एक लोही का है और दूसरा एक खजुआ थाना गुड़ का है। हाँ, उसके खिलाफ 19 मामले हैं विवेक तिवारी के ऊपर, जिसमें लूट, हत्या, घर में घुस के मारपीट करना और अन्य अपराध हैं।